ओके, तो इस प्रॉब्लम में वी हैव टू चूज थ्री बॉल्स, हाउ पर बैग में जो कंटेंट है वो हमें स्पेसिफिकली नोन नहीं है। तो बैग के कंटेंट के लिए हमने तीन बनाए केस। पहला तो ये केस कि उस बैग में छह डिफरेंट बॉल्स हो, तो थ्री बॉल्स निकालने के लिए 6C3। या फिर केस टू उन्होंने दिया है कि उस बैग में थ्री अलाइक ऑफ वन काइंड एंड थ्री अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा ले लेते हैं कि बैग में तीन तो रेड कलर की बॉल्स है और तीन ब्लैक कलर की, थ्री अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड एंड थ्री अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। और अगेन हमको इसमें से तीन बॉल ड्रॉ करनी है, तो कितने वेज होंगे हमारे पास? हमारे पास वेज होंगे टू अलाइक वन डिफरेंट, या फिर थ्री अलाइक टू अलाइक वन डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या निकाल दिया, आर आर बी या आर एंड डबल बी। सो ओनली टू वेज, टू सी वन, इन दो में से कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लें जिसकी दो बॉलें निकालनी है, और जो नाम बच जाएगा उसकी फिर एक ही बॉल निकालेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, थ्री अलाइक, तीनों एक जैसी बॉल निकाल सकते हैं। यानी कि अगेन हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तीनों रेड बॉल निकालना या फिर तीनों ब्लैक बॉल निकालना। तो इसके लिए फोर वेज हो जाएंगे। एंड लास्ट केस थ्री, कि अगर बैग के कंटेंट में टू अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड एंड टू अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड टू अलाइक ऑफ थर्ड काइंड इस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, दो रेड दो ब्लैक एंड दो ग्रीन, मान लेते हैं इस तरीके की बॉल्स। तो हमारे पास अगेन फिर से तीन बॉल हमें इसमें से निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या वे हो सकता है तीन बॉल के लिए? टू अलाइक वन डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली अब थ्री अलाइक वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीन तो एक जैसी बॉलें हैं ही नहीं हमारे पास। तो और क्या हो सकता है? तीनों डिफरेंट, थ्री डिफरेंट। तो टू अलाइक, तो हमने पहले तो इसमें से तीन में से एक नाम सेलेक्ट किया, तीन में से कोई भी एक नाम आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आपने ब्लैक को सेलेक्ट किया, तो उस ब्लैक की तो दोनों बॉलें लेनी है, टू अलाइक, और बचे हुए दो नाम में से किसी एक नाम को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ब्लैक की तो दोनों ब्लैक ले ली, उसके बाद रेड और ग्रीन, इनमें से कोई भी एक नाम सेलेक्ट करके कोई भी एक बॉल इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिक्स वेज। या फिर तीनों डिफरेंट, तीनों डिफरेंट निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, रेड ब्लैक और ग्रीन। तो टोटल इसमें आ जाएंगे सेवन वेज। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 20 + 4 + 7। तो जो आंसर है उसको केस वन, आइदर केस वन, केस टू और केस थ्री, तो तीनों के आंसर को प्लस कर देते हैं, तो 31 आ जाए।